नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। और आज हम कंपेयर करेंगे इसको और इसको, एक साथ चलाएंगे कि कौन ज्यादा बढ़िया चल रहा है, कौन ज्यादा दम दिखा रहा है। आसमान साफ है लेकिन पानी की बूंदें गिर रही है मेरे ऊपर। तो भाई साहब, पंजी की टेस्टिंग हो चुकी है, अब शुरू करते हैं अपन एक साथ चला के नो वर्सेस होलैंड, कौन चलाता बढ़िया। तो ये आ रहे हैं हमारे दोनों ट्रैक्टर और यहाँ से शुरू करते हैं एक साथ। चलो लगाओ बगल बगल में, बीच में एक फेरे को गैप छोड़ दो, ताकि एक फेरे को गैप छोड़ दो बीच में, लगाओ। टू व्हील में लगाना, टू व्हील में है ना, उस तरफ से फोर व्हील लेके आएंगे, इधर से टू व्हील। भैया टू व्हील में, हाँ हाँ, ये नीचे ही, उधर से आओगे ना तो लीवर को ऊपर कर लेना है, ठीक है। रखो मीडियम का दूसरा, मीडियम दूसरा चालू करो। तो भाई साहब मीडियम के दूसरे में दोनों ट्रैक्टर एक साथ, दोनों फोर व्हील, देखते हैं कितनी दम दिखाते हैं। ये देखो नोवो और ये होलैंड, और नोवो मीडियम के दूसरे में आगे जा रहा है। ये देखो दोनों की गहराई में कोई अंतर नहीं, बराबर गहरी लेके जा रहे हैं, ये मैड़ पे है और फिलहाल में चाल के हिसाब से ये आगे जा रहा है और बराबर ही चल रहे हैं ऑलमोस्ट। देखो और बराबर ही चल रहे हैं, बिल्कुल आगे पीछे नहीं, एकदम बराबर ही चल रहे हैं दोनों के दोनों। देखो हॉलैंड आगे निकल गया, भैया देख लो हॉलैंड आगे निकल गया है, साफ दिख रहा है। और जो लोग कह रहे थे कि नहीं नोवो बेस्ट है, भाई बेस्ट है वो मान रहा हूँ, लेकिन मीडियम के दूसरे में फिलहाल में न्यू हॉलैंड जो है आगे निकल चुका है, एकदम धांसू वाली टक्कर। और दोनों के दोनों ट्रैक्टर अभी टू व्हील ड्राइव में चल रहे हैं, और यहाँ से जब हम लौटाएंगे उस जगह से तो फोर व्हील लगवा लेंगे। ओह अब देखो नोवो आगे निकल गया, नोवो यार मेड़ का अंतर है, नोवो आगे निकल चुका है, देख लो हॉलैंड पीछे रह गया। उसमें 15 है, इसमें 12 फॉरवर्ड है, ठीक है, 15 रिवर्स 15 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स 3 फॉरवर्ड, गियर बॉक्स का फर्क है भाई साहब। लेकिन दोनों की दोनों जुताई बराबर कर रहे हैं एक सी, नोवो आगे निकल चुका है, अब यहाँ से लगवाते हैं फोर व्हील। ट्रैक्टर घुमा लो भैया, आगे एक फेरा छोड़ के, सेम एक फेरा छोड़ के, वो वाले पे चला लो, एक्सीलेटर बराबर रखो, एक्सीलेटर कितना था, 10-12 का रखो, 10 का कितना था एक्सीलेटर, 12 पे था, 12 पे रखना, 12 पे तुम भी, दोनों 12-12 पे है ना। फोर व्हील लगा लो, फोर व्हील वो गियर ऊपर चढ़ा लो, छोटा वाला जो वाला, हाँ कर दो पीछे की तरफ, हाँ फोर व्हील लग गया, अब फोर व्हील में, हाँ और एक बार फिर से फोर व्हील गियर में, मीडियम के दूसरे में चलाओ, मीडियम के दूसरे में फोर व्हील लगा के। और अब की मैं हॉलैंड आगे चल रहा है और धीरे धीरे ये भी स्पीड बढ़ा रहा है अपनी, भाई साहब स्पीड के बारे में तो क्या ही बोलना,
दोनों ट्रैक्टर बिल्कुल एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन हॉलैंड आगे चल रहा है अभी, क्या है इस वही एक्सीलेटर का अंतर रहा पिछली बार, इसी कारण से जो है ट्रैक्टर आगे पीछे हो गए थे। देख लो हॉलैंड आगे निकल गया और फिक्स 12 की रेस पे चला रहा है भैया, मैंने पहले ही बोल दिया था फिक्स चलना रेस। जिसको डाउट है उनका डाउट क्लियर हो गया है कि न्यू हॉलैंड जो है ज़्यादा बढ़िया ले गया है, और इसमें अगर अपन मीडियम का तीसरा लगाएंगे ना तो ये फिर बराबरी कर लेगा उसकी, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि उसके हर एक उसमें गियर पे 4 गियर हैं और इसमें 5 गियर हैं, मतलब हाई में 4 हैं, मीडियम में 4 हैं और लो में भी 4 हैं और इसमें 5-5 हैं। देखो कितने आगे निकल गया वो। चलो अब अपने हिसाब से चला लो। तो भाई साहब अंतर साफ पता चल गया है, ठीक है, गियरों का कितना बड़ा अंतर है। ट्रैक्टरों का हॉर्स पावर ऑलमोस्ट सेम है, बट वो जो है हर जगह पे आगे निकल जाता है, और फोर व्हील में उसने कमाल कर दिया। उस साइड वाले में चला लो, अरुण अच्छा हाँ बक होने से तुम ले आओ, बढ़िया रहेगा। अभी इस कोने से लोगो चल रहा है, ठीक है, लेकिन बस इस ट्रैक्टर में खास बात क्या है, इसमें देखो प्लेटफॉर्म, देखो बहुत ज़्यादा आरामदायक प्लेटफॉर्म है और काफ़ी जगह है, आप खूब सारे लोग दो इधर 4-5 और एक आधे ये इस पर टैंक के ऊपर बैठ सकते हैं, और न्यू हॉलैंड में ये चीज़ नहीं मिलेगी आपको। और अभी ट्रैक्टर फोर व्हील में ही चल रहा है, आराम से लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से चलाओ। देखो प्रैक्टिक कोई भी ट्रैक्टर ख़राब नहीं होता और सभी ट्रैक्टर परफेक्ट नहीं होते, इस ट्रैक्टर में जो खास बातें हैं वो उसमें नहीं है और जो उसमें हैं वो इसमें नहीं है। हब रिडक्शन उसमें है, मतलब हैवी लोड लेके जब ढुलाई करेंगे ना तो वो आगे से उठेगा नहीं, ये खास बात है, मतलब कि अपने ट्राला में अगर 150 क्विंटल खुली पीसी भर दें और आगे वेट ही ना लगाएं तो वो ट्रैक्टर इतना सा भी उठेगा नहीं, और ये उठ सकता है, ठीक है। और इसकी जगह सोनालिका भी उठ जाता था जबकि वो उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है। वहीं इसकी बात करें तो ये ट्रैक्टर का प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छा है, सीटिंग भी बहुत अच्छी है, सीटिंग उसकी भी अच्छी है लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई न्यू हॉलैंड की सीटिंग लोवो की तुलना में, मतलब इसमें तो गजब ही है, आप थकोगे नहीं, उसमें थोड़े से दिक्कत आ सकती है। और इसमें 15 हैं गियर, 15 फॉरवर्ड है, 15 रिवर्स हैं, और उसमें जो है रिवर्स फॉरवर्ड शिफ्टिंग शटल का ऑप्शन नहीं मिलता है आपको, जबकि इसमें मिलता है, उसके लिए आपको फिर 60 HP 90 HP लेना पड़ेगा तो मिल जाएगा, और इनका 47:10 आता है शायद, उसमें भी आता है लेकिन 36:30 में नहीं आता। ट्रैक्टरों को हमेशा आराम आराम से ही चलाना चाहिए, अगर जैसे बड़ा ट्रैक्टर है अपन सोचो यार तेज़ भगाने से कुछ नहीं होगा भाई, पर इधर से उछकने लगेगा ये तो मिट्टी जो है पलटाएगी नहीं, तो वो भी ज़रूरी है अपने को, वो भी ध्यान देना है। कर इसने पूरा कर लिया है और वहाँ पे चल रहा है हमारा हॉलैंड। मीडियम में पहला, आओ ठीक है दूसरे में चलाओ ना, दूसरे में भी बढ़िया चलेगा 10 की रेस पे। देखो भाई साहब 10 की रेस पे चल रहा है,
10 की रेस पे चल रहा है मीडियम के दूसरे में, और उस तरफ से ये पहले में लेके आए थे। अभी जैसा कि मैं बात कर रहा था कि उसमें बहुत सारे फैसिलिटी मिलती हैं, जैसा कि इसमें हब रिडक्शन मिलता है, सिर्फ अगर ड्राइवर की बात करें तो ड्राइवर के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है ये, और उसके अलावा जो है अपन ज़्यादा लोगों को बिठाएंगे तो दिक्कत है। पहले में लगाना। ये पहले की रफ्तार है, कितनी गहरी जुताई कर रहा है, और ये खेत जो है उपट चुका है। और गहराई में तो दोनों में अंतर नहीं है, दोनों बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही ट्रैक्टर जो हैं अपने हॉर्स पावर में काफ़ी बड़े हैं, टायर साइज सेम है, और दोनों में पावर सेम है, तो वो दिक्कत तो नहीं आएगी कि ट्रैक्टर दब रहा है या कुछ कर रहा है। और ये पहले गियर में भी कितना तेज़ चल रहा है, 12 के RPM पे, इसको ज़रूरत नहीं है कि दूसरे हाई में चलाने की। और नोवो भी पहले में ही चल रहा है। ओके, क्यों अभी पहले में चल रहा है दूसरे में? और ठीक है, मतलब इसकी मीडियम दूसरे की रफ्तार और उसकी मीडियम पहले की रफ्तार बराबर है। देखो सेम रफ्तार से चल रहे हैं दोनों, वो भी सेम रफ्तार से चल रहा है, ये भी सेम रफ्तार से चल रहा है। दोनों ही ट्रैक्टरों की गेयरबॉक्स में हल्का सा अंतर तो है। तो भाई साहब हवा काफ़ी बढ़ गई है, ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कर लो प्लीज़। हाँ, इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। और अभी हमारी धान की तैयारी चल रही है, इसके बाद हम फसलों को कैसे ग्रोथ करते हैं, क्या क्या फर्टिलाइज़ करते हैं, सारी की सारी चीज़ें, क्या दिक्कत, क्या 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 परेशानी आने वाली है, हर एक चीज़ आपको दिखाएंगे इस चैनल पे, बने रहो इसलिए। ठीक है ना, लाइक फॉलो कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय राम जी।